दोस्तों, दुनिया के अलग अलग इलाकों में जैसे जैसे इंसानों की जनसंख्या में इजाफा हुआ है, उसी रफ्तार से कभी जरूरत के लिए तो कभी लालच की वजह से इंसान ने ऐसी कई अनछुई कुदरती जगहों की तस्वीर बदली है जो उससे पहले पृथ्वी पर रहने वाले बाकी जीव जंतुओं का बसेरा हुआ करती थी। अपना घर खो जाने के बाद ये जानवर जैसे तैसे सर्वाइव तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आए दिन इंसानी बस्तियों में इन जंगली जीवों का घुसाना कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम द मिस्टिका लैंड पर आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाने वाले हैं जो आपको हैरान करने के साथ साथ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन के बारे में एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर भी करेंगे। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारी सबसे पहली वीडियो क्लिप एक पार्किंग लॉट से है जिसमें कैद हुआ है ये समुद्री जीव सी लॉयन। ये पास ही में मौजूद समंदर से बाहर आकर गाड़ी पर बैठा था। ये नजारा देखते ही सब वहाँ इकट्ठे हो गए। बाद में वहाँ मौजूद एक आदमी ने सी लॉयन को मछली का लालच देकर पहले तो गाड़ी से उतारा और आखिर में सही सलामत उसे पानी के पास पहुँचा दिया। आप में से कुछ लोगों ने सांप को जंगलों, पानी या फिर बिल से बाहर निकलते देखा होगा, लेकिन हमारी आज की इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे सांप एक ऐसी जगह से निकला कि सब हैरान रह गए। दरअसल एक घर में ना जाने कैसे सांप दीवार के अंदर घुस गया। घर वालों को पता चलते ही उन्होंने वर्कर्स को इन्फॉर्म किया और देखिए कैसे इन वर्कर्स ने इस बड़े सांप को घर से बाहर निकालकर सुरक्षित तरीके से एक बैग में पैक कर दिया और फिर वहां से ले गए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब घर में रह रहे लोगों का जंगली जानवरों से सामना हुआ हो। इस वीडियो क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि कैसे जब एक भाई बहन खेलने और टीवी देखने में बिजी थे, अचानक एक हिरन इनके घर में घुस जाता है और देखते ही देखते वहां तहलका मचा देता है। हमारी अगली वीडियो क्लिप एक पार्क की है जहाँ एक फैमिली शायद पिकनिक मनाने आई थी, लेकिन फिर इनके साथ बैठे इस छोटे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। दरअसल जब इसके पिता कुछ सामान निकालने में बिजी थे, तब चील किसी हवा के झोंके की तरह आया और वहाँ बैठे छोटे बच्चे को कुछ इस तरह ले जाने लगा। ये देख उसके डैड तुरंत बच्चे को बचाने के लिए झपटे और चील भी बच्चे को ज्यादा दूर तक उड़ान नहीं पाया और उसने बच्चे को नीचे फेंक दिया।
दोस्तों जरूरी नहीं कि जब इंसान के सामने जंगली जानवर आए तो वो डर ही जाए। कैमरे में कैद हुई इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे जब लोग पिकनिक मना रहे थे अचानक एक भालू जंगल से वहां आ जाता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि डरने के बजाय इन्होंने भालू को भी पिकनिक में शामिल कर लिया। इतना ही नहीं, इनमें से एक लड़के ने तो बड़े प्यार से इस जंगली भालू को पीनट बटर और सैंडविच भी खिलाया, जैसे ये कोई जंगली जानवर नहीं इसका दोस्त हो। This is a fucking joke, right? Oh my god. He's Cody. Making her a peanut butter and jelly sandwich. But he's not a dog. दोस्तों आपने इंटरनेट पर कई वीडियोस देखी होंगी जहां बंदर लोगों के हाथ से खाना छीनकर भागते हैं या फिर प्यारी सी गिलहरी। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के एक दुकान में तो मानो ऐसा लग रहा था कि जंगल से टाइगर शॉपिंग करने आया हो। आइए दुकान के सीसीटीवी में कैद हुए इन हैरानी वाले पलों को एक बार फिर देखते हैं। सीसीटीवी में कैद हुए इस टाइगर की शॉपिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। हम तो इस टाइगर को यही कहेंगे कि भैया जब इतनी दूर तक आ ही गए थे तो दुकान से कुछ सामान भी लेकर ही जाते। जहां इस टाइगर ने जंगल से दुकान तक की दूरी तय करके अपनी ठाट बाट दिखाई तो हमारे जंगल के राजा शेर पीछे क्यों रहे? देखिए कैसे गुजरात के जूनागढ़ में देर रात को कैप्चर हुई इस क्लिप में एक नहीं बल्कि कई शेर रात को शहर में टहलने निकले हैं। यहाँ तो शेर रात को घूमने निकले थे लेकिन हमारी इस अगली वीडियो क्लिप में तो ट्रैफिक जाम में फंसे लोग डर से कांप उठे जब दिन दहाड़े उन्होंने रास्ते पर शेर को घूमते देखा। वो तो शुक्र है कि जंगल के राजा का मूड शांत था और लोग गाड़ी में बैठे थे, वरना मंजर कुछ और भी हो सकता था। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा इन जंगली जानवरों का मूड अच्छा रहे। अब इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए कैसे एक तेंदुए ने बेंगलोर के एक स्कूल में धावा बोला और कई लोगों को जख्मी भी किया। वैसे ये पहली बार नहीं था जब तेंदुए ने शहरी इलाके में आकर आतंक मचाया हो। आइए कैमरे पर कैद हुए कुछ ऐसे ही क्लिप्स पर नजर डालते हैं। जिनमें से ये पहली क्लिप है शिमला से। यहाँ अपने घर के बाहर रखवाली करते हुए एक कुत्ते को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया और जब तक मालिक वहाँ पहुँचा तब तक तेंदुआ अपना शिकार लेकर वहाँ से निकल चुका था। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग और अंधाधुंध डेवलपमेंट के चलते बाढ़ आना अब काफी आम बात हो चुकी है। फ्लड्स में फंसे इंसान अक्सर खड्डे से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि बाढ़ के हालातों में हमें गड्ढों के साथ साथ मगरमच्छ से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे एक शहरी इलाके में बारिश के मौसम में मगरमच्छ पाया गया और उसने कुत्ते पर हमला करने की कोशिश भी की। वो तो शुक्र है वहाँ मौजूद एक इंसान का जिसने थोड़ी बहादुरी दिखाई और कुत्ते की जान बचा ली। वैसे ऐसे डेयरिंग बाज लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है।
वीडियो क्लिप में भी आप देख सकते हो कि कैसे ये आदमी कीचड़ में खाना खिलाने के बहाने मगरमच्छ से मजे ले रहा है। हमारी ये अगली वीडियो भी इस बात का सबूत है कि आजादी सबको अजीज होती है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। इस क्लिप में कैद हुए ये दो आदमी जब एक ऊंट को रस्सी की मदद से पेड़ से बांधने की कोशिश कर रहे थे कि तभी ऊंट ने गुस्से में एक आदमी को कुछ इस तरह उठाकर पटक दिया। हमारी ये अगली वीडियो क्लिप एक बास्केटबॉल स्टेडियम से है जहां सैन एंटोनियो स्पर्स का एक खास मैच चल रहा था, लेकिन खेल के दौरान एक चमगादड़ स्टेडियम में घुस आया। ये चमगादड़ कभी स्टेडियम में बैठी ऑडियंस के बीच तो कभी प्लेयर्स के बीच उड़ने लगा, पर तभी एक खिलाड़ी ने उस चमगादड़ को हाथ से पकड़ लिया और खेल फिर से शुरू हो पाया। दोस्तों, इसी तरह से टेनिस मैच को देखने का शौक इंसानों को तो होता ही है, पर क्या हो अगर मैच देखने के लिए एक इग्वाना पहुंच जाए। मायामी ओपन टूर्नामेंट में एक टेनिस मैच के दौरान एक इग्वाना स्कोरबोर्ड पर चढ़ गया। ये होते ही टेनिस कोर्ट में अफरा तफरी मच गई और कुछ देर बाद ही गार्ड्स ने सुरक्षित तरीके से उसे वहां से हटाया। Made here at the Miami Open in the form of an iguana. He wants to watch. Coming down the scoreboard. Oh wow. Oh, he's very brave now. और दोस्तों, हमारी आज की इस आखिरी क्लिप में पैराग्लाइडिंग करके लैंड कर रहे हमारे इन भाई साहब का वहाँ मौजूद कंगारूज ने कुछ इस तरह से स्वागत किया। What's up, Skip? What's up, Skip? Hey, back off! Back off! Go away! Ah, kangaroos. तो दोस्तों, क्या इन जानवरों का भी इस पृथ्वी पर उतना ही हक नहीं है जितना हम इंसानों का है? इस बारे में आपका क्या सोचना है? साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब इजाजत दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।